प्यारी बिटिया है, इस सेट पे ही भी नहीं बल्कि दुनिया में। आई लव दिस गर्ल। और मैं इनको कह रहा था कि इस जिंदगी में आशावादी होना बड़ा जरूरी है, खास तौर से नौजवानों में एक जोश होना चाहिए अपने मुल्क के बारे में, बिल्कुल मुल्क के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने काम के प्रति और अपनी सभ्यता के प्रति। हाँ, इंसान अगर आशावादी नहीं होता तो आज हमारा देश आजाद ना हुआ होता। बिल्कुल, उसके लिए हमने एक जंग लड़ी है, उसके लिए हमने जद्दोजहद की है, इतने खून बहाया, सूली पे चढ़े लोग, तो वो एक जोश और जज्बा अब भी होना चाहिए लोगों में, जो हमारे काकों में बहुत ज्यादा है। बेटी यही तो संतोषी माँ की कृपा है। उसमें हमारी भी गलती है, हम नकल पे ज्यादा बिलीव करने लगे हैं। ये देखो, तो मुझे लगता है कि जो हमारी संस्कृति रही है उसको याद कराने में हमारे बड़े बुजुर्ग का भी हाथ होना चाहिए, और हम लोग, हमसे जो छोटे हैं उनको हमें गाइड करना चाहिए, और हमारे पास तो काकू हैं। सही, 100% सही कहा इसने, मैंने यही कहा था ना, इसमें परिवार का बात होता है, आप सरकार से नहीं बोल सकते या आप औरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको संस्कृति, बच्चों में आप संस्कार डालते हैं, संस्कृति आती है तो वो परिवार से ही शुरू होती है। तो मुझे लगता है कल्चर को बताना चाहिए और हमें पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए बचपन से। मुझे लगता है कि मैं लोगों की बुराइयां काउंट करने से ज्यादा कोशिश करूंगी कि जो बची खुशी मेरे अंदर प्रॉब्लम है मैं उस पे काम करूं, ना कि दूसरों की बुराइयों को मैं पॉइंट आउट करूं। कई बार होता है कि हम सफाई पे हम बोल देते हैं कि यार वो बड़ी गंदगी फैलाता है, हम क्यों नहीं जाकर साफ कर देते। तो वो सारी चीजें हैं, कोशिश करूंगी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने की। आप बुरा काम करते हैं तो मुझे लगता है, अब लगता है मुझे कि भगवान आपको उस वक्त ऐसा हथौड़ा मारता है सर पे कि धीरे धीरे आपको होश आने लगता है। तो मैं बहुत हथौड़े खा चुका हूँ, बहुत ज्यादा हथौड़े। सभी लोग कहते हैं ना, इंसान को उस समय सीख नहीं मिलती, वो ऊपर वाला समय पर सीख देता है। रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। अशोक के जमाने में एक हमारी, एक हिंदुस्तान सारे दुनिया में प्रसिद्ध था, चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत बड़ा एम्पायर हुआ है, फिर चाणक्य जैसे हुए हैं, आजकल सब वो भूल रहे हैं। हमारे शास्त्रीय संगीत अब सारी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, अमेरिकन सब आजकल शास्त्रीय संगीत की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यहाँ पे लोग भूल ही गए। माजरा ये है कि संतोषी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, मेरी डॉटर इन लॉ, मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी डॉटर इन लॉ यही है, और हमारी बड़ी दोस्ती हो गई है, मैं उसे अपनी बच्ची की तरह समझता हूँ। और जाने का मकसद यही है कि मैं उसको मदद करता रहता हूँ उसकी कभी कभी किचन में, और आज मकसद तो यही है जाने का कि मुझे इतनी अच्छी खुशबू आई तो मैं उसको कहने गया कि बड़े अच्छे लड्डू बना रही हो, मगर पता चला कि कोई और कॉम्प्लिकेशन है बहुत बड़ा। मैं तो हुजूर 15 अगस्त सेलिब्रेट तो मैं खैर मार्च पास तो करता नहीं मैं, क्योंकि अभी उम्र हो गई है। हाँ, ये है हमारी बिल्डिंग में झंडा बुलंद करते हैं ये लोग, हमारा एक झंडा सा लगा हुआ है, तो वहाँ सारा बिल्डिंग के लोग ज़्यादा नहीं है, कोई समझो कि 15-20 जमा होते हैं, और फिर हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं। टोपी के बिना सलूट नहीं किया जाता, मगर मैं तो सलूट भी मार देता हूँ। और फिर ये सुबह जो 15 अगस्त को जो हमारे मोदी साहब की एक जो तकरीर होती है, भाषण जो होता है लाल किले से, वो लाल किले का भाषण मैं जवाहरलाल नेहरू के दिनों से देखता आया हूँ। मैं आज बिल्कुल दिल की बात कह रहा हूँ कि मोदी साहब के, एक तो उनको, उनका भाषण करने का तरीका जो है वो बड़ा अच्छा है, वो जो बोलते हैं तो अपने दर्शकों को वो अपने कब्जे में ले लेते हैं, ही इज़ वेरी गुड स्पीकर। और दूसरा, दिल की बात करते हैं, अच्छी तरह करते हैं, बिना जोश के
इंसान जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता। तो मोदी साहब में जो जोश है, जो हिंदुस्तान के प्रति प्यार, असल दिल्ली प्यार मोहब्बत है, दिल से प्यार मोहब्बत है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। क्योंकि मैं भी पिताजी की तरह, बलराज सहनी साहब की तरह एक ही बात सीखी थी कि अपनी सरजमीन से बहुत प्यार होना चाहिए, अपने आवाम से, अपने जनता से बड़ा प्यार होना चाहिए। तो वो उनकी मुझे तकरीर में, उनके भाषण में दिखाई देता है। और कभी कभी तो मैं फिर से प्रोत्साहित हो जाता हूँ और ऐसे लगता है कि नहीं, हम लोग अब सही रास्ते पे जा रहे हैं और कुछ ना कुछ इस देश का होगा। क्योंकि मैं तो जब पैदा हुआ था तो हिंदुस्तान नया नया आज़ाद हुआ था, तो उस ज़माने की मुझे कुछ थोड़ी सी यादें ताज़ा हैं। तो ये 15 अगस्त इसी तरह मनाते हैं और फिर यारों दोस्तों को मिलते हैं और फिर सुनते हैं क्या कार्यक्रम हो रहे हैं। अच्छे कार्यक्रम होते हैं।